और यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपने प्राइस से एक्शन दिखा सकता है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मोमेंटम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, अगर देखेंगे इन सपोर्ट लेवल से लगभग लगभग 2200 के आसपास है, ये अभी 2741 के आसपास ट्रेवल कर रहा है। इस चैनल पैटर्न में जब ये इन नीचे वाले सेक्शन पर ट्रेड कर रहा था तभी हमने ये जो जिस तरीके का कैंडल पैटर्न बनाया था वहाँ से ये एक प्रिडिक्शन हम लोगों ने किया था कि ये अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है और ऊपर की ओर जा सकता है, और ये जो 2780 एंड 2800 का टारगेट है उसके आसपास जा सकता है, और हमने 1:4 के आसपास का हम लोगों ने प्लानिंग किया था तो उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया होगा। लेकिन हम लोगों को यही नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ये देखेंगे तो ये जो एक जोन बना है, एक जो चैनल पैटर्न बना है, ये बहुत पुराना हो चुका है। ये लगभग लगभग 2021 मई से ही बन रहा है, तो लगभग यहाँ 2-2.5 साल से इसी पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा था। अभी ये इन लेवल के आसपास जाके ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, तो अगर यहाँ पे हॉल्ट करके जिस तरीके से आज का वीक बहुत ही अच्छा क्लोजिंग हुआ है 2800 का, हो सकता है नेक्स्ट वीक में हम लोग को टच पॉइंट मिल जाए, उसके बाद थोड़ा सा अगर हॉल्ट करके ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर, तो हम लोगों को आने वाले समय में बहुत ही अच्छे टारगेट मतलब कि 3500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे अगर इसे जाके देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको लास्ट मंथ में जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो इस मंथ में बताया था कि अभी मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट तो मिल गया है, तो हम लोग को ये ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं। एंड इस ब्रेकआउट प्ले करने के लिए हाई पे बाई करना रहेगा, एसएल बड़ा होगा, इसीलिए हम लोग को टारगेट जो है वो बड़ा लग के चलना पड़ेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे ये ऊपर की ओर निकल रहा है, इस मंथ में ही लग रहा है ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा। अगर यहाँ पे इस मंथ में ये ब्रेकआउट मिल जाता है और मंथली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट ऊपर की ओर सस्टेन करता है, मतलब जिस जैसा ये लास्ट मंथ का क्लोजिंग था वैसा ही इस मंथ का भी यहाँ पे क्लोजिंग होता है, तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि नेक्स्ट मंथ के कैंडल में एक थोड़ा सा नीचे सेलिंग के बाद ये कंटिन्यू करे ऊपर और जो 3000 का टारगेट है उसको हमें हिट करते हुए ये ऊपर की ओर निकले, क्योंकि ये रेंज में है और जब भी ये बॉक्स है, ये अगर जब भी बॉक्स का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को ऊपर की ओर अच्छा टारगेट देखने को मिलता है। बस इस मंथ की क्लोजिंग जो है वो स्ट्रांग क्लोजिंग होनी चाहिए। नीचे की ओर की अभी बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ हम लोग के लिए यहाँ पे है कि ये जो 2800 का लेवल है, अगर इस लेवल के आसपास देखेंगे तो इन लेवल्स के आसपास 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स ये आके वो ऊपर की ओर निकला है, ठीक है, 5 टाइम्स। मतलब यहाँ पे भी किसी ने सोचा होगा कि ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, लेकिन हर बार जब सेलिंग हुई है तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे तुरंत पिन टच करते ही सेल हो गया, यहाँ पे भी गैप डाउन के बाद सेल हो गया और यहाँ पे भी बहुत स्ट्रांग सेलिंग हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर इस बार यहाँ पे 2800 टच करके अगर ऐसा नहीं होता है, स्ट्रांग सेलिंग नहीं होती है, यहाँ एक जो छोटे कैंडल जैसे ये वाले छोटे कैंडल्स बने थे, अगर ऐसा कोई कैंडल के फॉर्मेशन होता है तो हायर चांसेस रहेगा ये इसको यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जाएगा और ये हम लोग ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट हम लोग इसलिए प्ले कर पाएंगे कि बहुत दिनों बाद इस रेंज से बाहर निकलेगा, तो अगर यहाँ पे इतने स्टॉप लॉस के साथ मतलब 40-50 रुपीज़ एसएल के साथ अगर हम लोग को पोजीशन बनाने का यहाँ पे मौका मिलता है तो हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे ऊपर जो भी टारगेट होगा उसके लिए वेट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे 2800 के आसपास इसको अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में किस तरीके से क्लोजिंग मिलता है, कहीं इस तरीके का क्लोजिंग ना मिले। अगर इस तरीके का भी क्लोजिंग मिलता है तो इसी कैंडल को हम लोग प्ले कर सकते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। बहुत लोगों के पास पहले से पोजीशन होगा इन लेवल्स के आसपास, उन्हें होल्ड करना चाहिए और ऊपर का जो भी टारगेट है उसके लिए वेट करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो आज के दिन पिछले 3 दिनों से बहुत ही अच्छा इसमें मोमेंटम आया है, ऊपर की ओर अपने आप को होल्ड करके रखा था, उसके बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से आज के दिन में नीचे जाके ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है। अभी हमने जो यहाँ पे लेवल्स दिए थे कल, ठीक है, ये आपको याद होंगे तो इन तीनों कैंडल्स के हाई के आसपास का लेवल था और आज की जो क्लोजिंग हुई है 2740 उसके आसपास ही हुई है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरीके से टेक्निकल्स अपने आपको यहाँ पे प्ले करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अभी आपको जो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 डे टाइम फ्रेम पर दिख रहा होगा, हम सभी को क्लियरली 2800 दिख रहा होगा क्योंकि इसके आसपास ही 2 कैंडल ऊपर जाके यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग और इसके बाद ये कंटिन्यू हो गया था, ठीक है। तो एक गैप डाउन ओपनिंग नहीं था, शायद यहाँ पे कुछ बोनस या स्प्लिट मिला था इसलिए ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। एनीवे 2800 के आसपास हम लोगों को क्या दिख रहा है, अभी हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है। 2800 के पास रेजिस्टेंस है तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में ये 2800 के आसपास जाए एंड उसके थोड़ा ऊपर नीचे जाके कहीं क्लोजिंग हम लोग को इस तरीके से नीचे दे दे, तो जैसा वीकली टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे तो हो सकता है ऐसा कहीं हम लोग को कैंडल देखने को मिले। अगर हम लोग को बुलिश कैंडल देखने को मिलता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अभी जिस तरीके से 3 दिन में मोमेंटम हो
हो चुका है यहाँ पे, ये लगभग लगभग 2840 से लेके 2800, ये एक इम्पोर्टेंट जोन होने वाला है। इसी जोन में हो सकता है हम लोग को ये टचिंग करके हो सकता है कहीं पे 2800 के आसपास क्लोजिंग दे दे। एंड उसके बाद अगर एक वीक भी यहाँ पे हॉल्ट करता है, जैसे यहाँ पे हॉल्ट किया देख रहे हैं, उसी तरीके से अगर एक दो वीक यहाँ पे हॉल्ट करके फिर निकालता है तो हम लोग ऊपर की ओर प्लान करेंगे। ऐसे ही जोन का हम लोग SL रखेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा 1:3 1:2 के आसपास होगा। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था, आज के दिन यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, नीचे जाके फिर से हाई को ब्रेक किया, हाई ब्रेक करते ही हमारे जो नेक्स्ट टारगेट था उसे टच किया, लेकिन बहुत ज़्यादा टारगेट हमने एक्सपेक्ट अगेन नहीं किया था क्योंकि बहुत ही अच्छी मोमेंटम हो गई थी। अभी ये फिर से जैसा कि हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे देखा था हॉल्ट करके निकला है, अगेन इसी तरीके का एक हॉल्ट यहाँ पे बन रहा है। तो ये हॉल्ट बन रहा है और हमें हमारे पास पता है कि हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, तो 2800 लगभग लगभग 2746 के आसपास का हाई लगा है, तो 2749 को हम लोग यहाँ पे क्रॉस करने देंगे और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है ऊपर की ओर 2780, उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। इसी के बीच में मार्केट ओपन होता है मंडे को, रिलायंस इंडस्ट्री ओपन होता है, उसके बाद हाई निकलता है, तो हम लोग ऐसे ऊपर की ओर प्लानिंग कर सकते हैं। नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर 2720 का रजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास इसने क्या किया है, रजिस्टेंस बनाया था एंड ऊपर से आते वक्त यहीं पर सपोर्ट लिया है। तो जब भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा तो एक सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पे ये बाउंस बैक देने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि बुलिश है, ठीक है। बुलिश पैटर्न में ऐसा ही प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है और यहाँ पे रेंज बना के फिर हो सकता है ऊपर की ओर ब्रेकडाउन दे, या फिर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे की ओर भी ब्रेक करता है तो 2700, अदरवाइज ऊपर का हम लोगों को पता है क्योंकि ऑलरेडी ये बुलिश है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।